हिंदी वीक है, सीरियसली अब नहीं रहेगी, क्योंकि आज के वीडियो में मैं 6 ऐसे स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जो अगर आप फॉलो कर लो तो आपका हिंदी सब्जेक्ट सबसे बेस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, सबसे पहला स्टेप, आप रोज पढ़ना स्टार्ट करें। मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे, अदर सब्जेक्ट भी होते हैं तो उनकी वजह से आप हिंदी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो, 10 मिनट ही सही, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट के लिए टाइम जरूर निकालो, उसमें थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पढ़ने से क्या होगा, आप धीरे धीरे हिंदी के सिलेबस को कवर अप कर पाएंगे और धीरे धीरे रोज की रोज आप टच में भी रह पाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी हिंदी और अच्छी होती चली जाएगी, ये गारंटी है। दूसरा स्टेप, हिंदी में जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ो, ना कि समरी। समरी आप पढ़ सकते हैं, वो एक हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद या लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले, तो उस केस में आप ये समरी का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ते तो आप हिंदी को अच्छा नहीं बना सकते। नंबर ले सकते हो, थोड़ा और अच्छे नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग या बहुत अच्छे नंबर नहीं आ सकते, उसके लिए आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। अब थर्ड स्टेप, देखो अगर आप चैप्टर पढ़ चुके हैं तो उसके क्वेश्चन आंसर भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की चैप्टर है ना, तो क्वेश्चन आंसर को भी एक बार रीड आउट जरूर करिए, एक बार जरूर पढ़िए। क्वेश्चन आंसर अगर आप नहीं पढ़ते तो कौन सा क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है इसका आइडिया आपको नहीं लगता, आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आपको नहीं पता चलता, तो इसीलिए क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ चैप्टर वाइज करते चले जाइए, उससे आपकी हिंदी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। फोर्थ, आप जितना भी पढ़ रहे हैं रट्टे नहीं लगाने, मतलब हिंदी को पढ़ लिया आपने, समझ लिया, मतलब चैप्टर को अच्छे से जान लिया, तो फिर जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो रट्टे लगाने लायक नहीं है, रट्टे लगाओगे तो आपके नंबर थोड़े कम ही आएंगे, तो एक बार रीड आउट करना है, उसको समझना है, ना कि रट्टे लगाना है, ये बात ध्यान रखना। अब कमेंट में बताओ कि आप हर रोज हिंदी सब्जेक्ट को कितना टाइम देते हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट फिफ्थ स्टेप, आप लिखने की प्रैक्टिस अगर नहीं करते तो आपको एग्जाम टाइम में बहुत दिक्कत आती है। क्या दिक्कत, किस तरह की दिक्कत, कि एग्जाम लिख रहे हैं लेकिन लिखा ही नहीं जा रहा, हाथ ही नहीं चल रहे, लिखने की आदत ही छूट चुकी है, तो ये सिचुएशन ना आए इसके लिए लिखने की प्रैक्टिस टाइम टू टाइम करते रहा करो, जिससे ये सिचुएशन आएगी ही नहीं। और लिखने की प्रैक्टिस कैसे करनी है, मात्राओं की अगर गलती हो रही है, इसके लिए एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, इस आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ स्टेप, हिंदी का सिलेबस चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, आपको कम से कम 3 टाइम रिवीजन करनी ही करनी है, ये मान के चलो, ज्यादा हो सके तो वेल एंड गुड, नहीं तो 3 टाइम 3 बार रिवीजन कम से कम चाहिए ही चाहिए, जिसकी वजह से आपके मार्क्स जितने ज्यादा इंक्रीज होंगे वो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो बच्चों इसका जरूर ध्यान रखना, और रिवीजन करते कैसे हैं इसके लिए बच्चों व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मैं हर रोज आपकी रिवीजन करवा रहा हूं, हर रोज मैं कुछ पोस्ट करता हूं जिससे आपकी रिवीजन हो जाती है, तो उसके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, और आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर मिल जाए इसके लिए एक फ्री क्रैश कोर्स ले आया हूं जो बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, आपको इस लिंक को क्लिक करने के बाद कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद।